चाहिए और सुनना वो चाहते हैं जो सुनना नहीं चाहिए, लेकिन देखना उसे चाहिए जो देखने योग्य हो। प्रायः व्यक्ति उसको देखते ही नहीं है जिसको देखना चाहिए। अवश्य देखिए देखन जोगु, जो देखने योग्य है उसको देखना चाहिए, लेकिन यह मानव देखना ही नहीं चाहता है। कारण इस कलयुग में पापाचार बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का पल्ला इधर से उधर है। तो करना क्या चाहिए? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में मात्र एक ही आधार है और वह आधार क्या है? राम नाम आधार है। राम नाम कहते रहो जब तक घट में प्राण कभौ, तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। आज मैं भी भगवान का गुणानुवाद करते करते इस श्लोक पर आ गया हूँ, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा नाम है जो व्यक्ति को भव सागर से पार उतार सकता है। क्योंकि यह तन पता नहीं कब इससे यह आत्मा निकल कर चली जाए, यह नश्वर शरीर यही का यही पड़ा रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? जो करोगे वो जाएगा, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली मलयागिर की सुच सुंदर गंध सुगंध, प्रात को चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। इसलिए प्यारे भजलो हरि नाम, अरी रसना अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं यह अंत समय में राम नाम ले पाए या ना ले पाए। जिनको सुनना था व्यास जी वो तो सुन रहे हैं, जिनको नहीं सुनना था वो चले गए और हम सुनाने भी नहीं आए हैं उनको। जो चले गए वो ना सुने तो बहुत ही अच्छा है, सुनाने आए हैं हम, सुनने वाले सुन रहे हैं, बाबा बैठे हैं हम उन्हीं को सुना रहे हैं। आज चलता हूँ प्रभु का गुणानुवाद करते हुए और आज इस मानव को यह समझना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। अरे मैं तो यह डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि प्रभु का नाम कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला। मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला, कि अपना हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ।
रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन। और फकीर फकीरा सुंदर गुफा है हिमालय के अंदर, यह बड़ी गुफा हिमगिरी गुफा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर स्थान है। समीप में देख रहा हूँ माँ गंगा जी का प्रादुर्भाव, सुंदर जल धारा बह रही है। इस नारद को श्राप है, नारद कहीं भी रुक नहीं सकता है, लेकिन आज यह नारद का मन कह रहा है कि नारद कुछ क्षण यही बैठकर प्रभु का गुणानुवाद करो, तो मैं यही बैठकर प्रभु का गुणानुवाद करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि।